पीएम द्वारा पूरे देश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन का ऐलान किया गया था ताकि कोरोना वायरस के प्रभाव में आने से बचा जा सके। इसी को लेकर आज रामपुर के अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने रामपुर नगर पालिका क्षेत्र का भ्रमण किया, लेकिन उनकी नजर जैसे ही नालियों और सड़कों पर गई, बराबर में खड़े कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। नालियों और सड़कों पर गंदगी का अंबार देख एडीएम साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद एडीएम साहब ने नगर पालिका कर्मियों की जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई और उनसे जुर्माना वसूलने की बात भी कही। वहीं एक स्थानीय ने बताया कि उनके मोहल्ले में साफ सफाई करने नगर पालिका से कोई नहीं आता, अपने हाथ से सफाई करनी पड़ती है और जब से लॉकडाउन हुआ तब से साफ सफाई के लिए कोई भी नहीं आया। प्रवीण जी, कौन सा मोहल्ला है ये? अच्छा, तो यहाँ जिस तरीके से गंदगी हो रही है तो क्या साफ सफाई के लिए नगर पालिका से नहीं? नगर पालिका से कोई नहीं आता और हम कहते हैं कि देखिए हमारे दरवाजे की चबूतरा पूरी नाली इतने पड़े थे, चबूतरा भी तोड़ना पड़ा सफाई की वजह से। अपने हाथ से निकाली, अपने हाथ से करेंगे। कब से सफाई नहीं हुई है? करीब जब से ये लॉकडाउन हुआ तो बिल्कुल तो कोई आया ही नहीं है, उससे पहले से नहीं आते ये लोग। अच्छा, तो सफाई किस तरीके से करवाते फिर आप लोग? तो हम तो बस ये होता है ऐसे हो रही है कि अपने हाथ से बच्चे नालियों में डंडे डाल डाल के थोड़ा पानी निकालते हैं बाहर को। नगर पालिका से कोई नहीं आता? नगर पालिका से तो कोई भी बंदा नहीं आया। तो कितनी गंदगी हमेशा ऐसी रहती है? ऐसी रहती है इस गली में गंदगी, और इससे बदतर होती है। अब तो ये थोड़ी हवा से पुछक हो गई, नहीं तो पानी यहाँ तक बहते हैं रोड पे, वो आ जाते हैं दरवाजे पे। वो तो शिकायत नहीं की आपने? कोई अधिकारी देखने कोई सुनता नहीं। एक दफा मेंबर आए भी थे, हमने यहाँ बिल्कुल अंधेरी गली में रहती, लाइट वाइट हो गया तो मेंबर ने कोई कार्रवाई नहीं करी हमारे यहाँ के। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सफाई के ऊपर स्वच्छता को लेकर के बहुत जोर है, और उसके बाद भी अभी समय जबकि लॉकडाउन है, हम सफाई अच्छे से कर सकते हैं, हमारी नालियां साफ हो सकती हैं। अभी आपने देखा वार्ड 14 और वार्ड 25 की हालात देखे हैं, कितने बदतर हालात हैं। मैं पूरी टीम लेकर के आया, यो साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट जो हमारी एजेंसी है जो सफाई लगी है उसके लोग लगे हैं, तो इसलिए कि चूंकि सफाई की स्थिति वार्ड की जो गली है वार्ड 14 और वार्ड 25 की बुरी स्थिति में है, तो उसी को लेकर के अभी हमने भ्रमण किया और निर्देश दिया है करने के। हम कार्यवाही भी कर रहे हैं, इसमें उस ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे, उसके जुर्माना करेंगे और लगातार इनको सफाई करनी पड़ेगी। इस समय अच्छे से सफाई कराने के लिए निर्देशित किया है, शाम को एक बार फिर भ्रमण करूंगा आकर के यहाँ पर। हालांकि एडीएम के निरीक्षण के बाद कार्रवाई के निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन देखने की बात होगी कि आखिर कब तक इलाके की साफ सफाई का कार्य जारी रहेगा। पंजाब केसरी के लिए रामपुर से रवि की रिपोर्ट।